सोचो आपके घर आपका कोई दोस्त आया और उसका स्वागत इस बैड बॉय ने किया। 51 किलोमीटर पर आवर की रनिंग स्पीड, 288 पाउंड्स के रेंज का बाइट फोर्स, 250 किलो से ज़्यादा खींचने की मस्कुलर स्ट्रेंथ और एक अनबिलीवेबल स्टैमिना के साथ एक डोबरमैन आपके दोस्त के टुकड़े टुकड़े कर सकता है। लेकिन क्योंकि आप एक नॉलेजेबल डॉग लवर हो, मुझे पता है आप अपने डोबरमैन को वैसा नहीं बनाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये सब कर नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि वो ये करेगा नहीं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि डोबरमैन पिंचर का प्राइस कितना है इंडिया में और अगर आप इसे अपने घर में रखते हैं तो आपको महीने में कितना खर्चा आ जाएगा। मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसका टाइटल है विच डॉग ब्रीड इज राइट फॉर मी, तो अगर आप कंफ्यूज है कि कौन सी डॉग ब्रीड लेना आपके लिए सही है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इसके बाद। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डोबरमैन पिंचर के कुछ बेसिक्स के बारे में। डोबरमैन एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसकी एवरेज हाइट 61 से 72 सेंटीमीटर और वेट 32 से 45 केजीज के बीच में होता है। डायनमो एक पॉपुलर इंडियन गेमर है और जो डॉगी उसके पास है वो डोबरमैन है। एक पुरानी मूवी भी है द डोबरमैन गैंग, जिसमें 6 डोबरमैन्स को ट्रेन किया गया था बैंक लूटने के लिए। अगर आप एक गार्ड डॉग लेने का सोच रहे हो जो आपके घर, फैमिली या बेसिकली किसी भी चीज को गार्ड करे, तो डोबरमैन लेना एक एक्सीलेंट ऑप्शन है। इनके पास स्पीड, स्टेमिना, मस्कुलर स्ट्रेंथ और बाइट फोर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन हर ब्रीड में नहीं होता। अभी भी यही सोच रहे हो कि क्या ये गार्ड कर पाएंगे या नहीं? वेल, वर्ल्ड वॉर टू में जो सबसे ज्यादा यूज की गई डॉग ब्रीड थी वो डोबरमैन थी। आज भी ये हमारे सोल्जर्स की हेल्प कर रहे हैं मिलिट्री में। डॉग होने के नाते हमारा डोबरमैन एक कमाल का साथी है। ज्यादातर घरों में इनका कोई एक फेवरेट पर्सन होता है जिसके साथ ये अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और बेसिकली उसे ही सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ये टफ डॉग्स हैं। अगर आप इन्हें सही तरह से नहीं रखोगे तो ये आसानी से डेंजरस भी बन सकते हैं। सबसे जरूरी चीज जो इन्हें चाहिए वो है एक स्ट्रॉन्ग लीडर, कोई ऐसा जो डॉग्स की नीड को समझे और उन्हें फुलफिल करने के लिए कमिटेड रहे, बिल्कुल किसी दूसरे रिलेशनशिप की तरह। अगर आप उन लोगों में से नहीं है तो आप इस तरह की ब्रीड से दूर ही रहें। डोबरमैन को बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज भी चाहिए होती है, तो मेक श्योर आप उसे दें। एक्सरसाइज करवाने का बेस्ट तरीका है एक वॉक, लेकिन अगर आपका डॉग सिर्फ वॉक से सेटिस्फाइड ना हो तो साइकिलिंग भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे दो चैलेंजेस है। सबसे पहला है कि डॉग को साइकिल के साथ आपको खींचना है और दूसरा है कि एक सीधी लाइन में खींचना है, वरना आप ट्रक के नीचे भी आ सकते हो। ये ना ही सिर्फ उन्हें फिजिकली पूरी तरह से थका देगी लेकिन मेंटली भी एक्सरसाइज करवाएगी, क्योंकि उन्हें उन सब डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करना है, जैसे कि दूसरे डॉग्स की उनके साथ लड़ें या कोई फीमेल जिसके साथ वो फ्लर्ट करें। अगर आप अपने डॉग को इस तरह से एक्सरसाइज करवाते हो उसके बाद अपार्टमेंट में रहना डोबरमैन पिंचर के लिए पॉसिबल है, लेकिन अगर आप इसे घर के अंदर रखने वाले हो पूरा दिन। मैं एक फर्स्ट टाइम ओनर हूँ, क्या मेरे लिए डोबरमैन पिंचर लेना सही है? नहीं। अगर आपकी इतनी ही फट रही है इस ब्रीड से तो मेक श्योर इससे दूर ही रहें। दूसरी तरफ अगर आप डॉग्स को समझते हैं, डोबरमैन को नहीं, आप डॉग्स को समझते हैं, तो आप इस दुनिया की कोई भी ब्रीड ले सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे आप फर्स्ट टाइम ओनर है या लास्ट टाइम ओनर है। अब आप डॉग्स को समझोगे कैसे? सब्सक्राइब मेरी आने वाली वीडियोस में मैं आपको डॉग्स को इस तरह से समझाऊंगा। वेल, मैं ये नहीं बता सकता है किस तरह से समझाऊंगा, लेकिन सब्सक्राइब। डोबरमैन कमाल के फैमिली डॉग्स भी हैं। अगर आप एक पपी ले रहे हैं तो मेक श्योर आप उसे अलग अलग एनवायरनमेंट में एक्सपोज करें। दोस्त के डॉग से मिलवाइए, दोस्त के घर जाइए, कभी कभी उन्हें अपने घर में बुलाइए या किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप जा सकते हैं। ये एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ब्रीड भी है और हमेशा तैयार रहते हैं काम करने के लिए जो भी आप चाहो। अपनी फेवरेट डॉग ब्रीड डोबरमैन का प्राइस जानने से पहले 2 सेकंड निकाल के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास अभी एक डॉग नहीं है, लेकिन मेरे पास एक प्लेलिस्ट है जो आपको गाइड करेगी हर स्टेप में कि आपको एक कैसे डॉग लेना है। डोबरमैन पिंचर का प्राइस डिपेंड करता है कि आप उसे कहाँ से और किससे ले रहे हैं। अगर आप इंडिया में किसी लोकल पेट शॉप से ले रहे हैं तो डोबरमैन पिंचर का प्राइस स्टार्ट होगा 15,000 रुपीज से और वो जा सकता है 30,000 रुपीज तक। दूसरी तरफ अगर आप किसी ब्रीडर से ले रहे हैं तो डोबरमैन का प्राइस स्टार्ट होगा 30,000 रुपीज से और वो जा सकता है 70,000 रुपीज तक, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ब्रीडर कितना रेप्यूटेड है, किस तरह की क्वालिटी वो आपको दे रहा है और किस जगह पे वो ब्रीडर सिचुएटेड है। क्या आपको पता है आजकल के ब्रीडर्स उन डोबरमैन को चुन रहे हैं मेटिंग करवाने के लिए जो फैमिली में रहते हैं और जिनमें कोई अग्रेशन इश्यू नहीं है? ये इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ब्रीड को रखें बिना किसी डर के। जब हम मंथली एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो जो मेन खर्चा आपको करना होता है वो होता है खाने के ऊपर।
अगर आप अपने डोवरमैन को स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देंगे तो आपको 3,000 रुपये का पर मंथ खर्चा आएगा, और अगर प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देंगे तो आपको 5,000 रुपये का पर मंथ खर्चा आएगा। वैक्सीनेशन की कॉस्ट पपीज़ के लिए थोड़ी सी ज़्यादा रहती है क्योंकि उन्हें फ्रीक्वेंट वैक्सीनेशन चाहिए होता है। पर वैक्सीनेशन आप 800 से 1500 रुपीज़ खर्च सकते हैं। डोवरमैन एक स्लिम डॉग है, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा स्लिम भी नहीं होना, इसीलिए डिवॉर्मिंग ज़रूरी होती है। ये मेडिसिन कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती, तो आप 100 रुपीज़ पर शेड्यूल खर्च सकते हैं। इस ब्रीड को ग्रूम करना सबसे ज़्यादा आसान है। 500 से 1000 रुपीज़ मंथली खर्चे पे आप इसे ग्रूम कर सकते हैं, जो इंक्लूड करेगा शैम्पूज, ब्रशेज, नेल क्लिपर्स और ऐसी ऐसी चीज़ें। ऑन एवरेज अगर मंथली एक्सपेंसेस की बात करें एक डोवरमैन को अपने घरों में रखने का, तो वो होगा 5000 रुपीज़ अगर आप स्टैंडर्ड क्वालिटी डॉग फूड देते हैं, और अगर प्रीमियम क्वालिटी डॉग फूड देते हैं तो वो होगा 7000 रुपीज़। लीश, कॉलर, बोल्स, टॉयज, क्लोथ्स, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप हर महीने नहीं लेते, तो मैंने इसका प्राइस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। अगर आपको वो सब चीज़ें अमेजोन से लेनी है जो आपके नए डोबरमैन पपी को चाहिए होगी, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने हर एक प्रोडक्ट के लिंक्स दिए हैं। यहाँ पे एक बड़ी वन टाइम कॉस्ट भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका डोबरमैन आगे जाके बच्चे पैदा ना करे या इन जनरल हीट पे ना आए, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, तो आप स्पे एंड न्यूटर की सर्जरी करवाते हो। इस सर्जरी की कॉस्ट स्टार्ट होती है 4000 रुपीज़ से और जा सकती है 12000 रुपीज़ तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस जगह पे रह रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। और आपको जानना है कि कौन सी डॉग ब्रीड लेना आपके लिए सही है, तो स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है उस पर क्लिक कर दो।